रोमन रेंस ने हराया डेनियल ब्रायन को, करियर हो चुका है खत्म और जानेंगे क्या कुछ हुआ बट आर डब्ल्यू एस मैडम के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG बस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। अब गाइस क्या इसका निष्कर्ष रहा, क्या इसकी रेटिंग रहेगी, ये तो दोस्तों हम वीडियो के अंत में ही डिस्कस करेंगे। शुरुआत की बात कर लेते हैं तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी बियांका बेलेयर की एंट्री के द्वारा। तो बियांका बेलेयर दोस्तों रिंग के अंदर आई जहां उन्होंने खुद को ESTF स्मैकडाउन बताया और खुद को कुलेश चैंपियन भी वो बताती है कि हमें एंट्री होते हुए नजर आती है वहां डर्टी डॉग्स की। डर्टी डॉग्स वाले आए, डर्टी डॉग्स वालों ने ये चीज कही है कि आगे से वो संभालेंगे स्मैकडाउन को, जिस पर फिर एंट्री हो जाती है वहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों की। वहां दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले क्या चीज बोले कि तुम मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया से इस तरीके से बात करोगे। फिर दोस्तों एंट्री हो जाती है बेली की, बेली दोस्तों रिंग में जाकर भिड़ गई है बियांका के साथ जहां बियांका ने उन्हें पीटा और फिर हमने देखा है एक सिक्स मैन या फिर कह लीजिए वुमन टैग टीम मैच जहां एक तरफ टीम थी स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बियांका बेलेयर की, उनके खिलाफ थी दोस्तों हमारी ये वाली टीम यानी कि डर्टी डॉग्स एंड बेली की। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों 6 के 6 कंटेस्टेंट बहुत बढ़िया परफॉर्म किए। रिजल्ट की बात करता हूं, रिजल्ट आया स्ट्रीट प्रॉफिट के फिनिशर के द्वारा जहां फेस टीम पहले मैच में विजय रही है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हमने डेनियल ब्रायन का इंटरव्यू सुना। डेनियल ब्रायन दोस्तों बैकस्टेज क्या चीज बोले हैं कि आज वो रोमन को फेस करने वाले हैं और रोमन से पहले भी टैप आउट कराए और आज भी वो ऐसा करके दिखाएंगे और ब्रांड न्यू चैंपियन बन के दिखाएंगे। इसके ठीक बाद दोस्तों हमने देखा है कि सैथ रॉलिंस का भी इंटरव्यू हुआ या फिर कह लीजिए उन्होंने प्रोमो काटा बैकस्टेज, ये चीज वो बोले हैं कि डेनियल को लगता है कि चैंपियन बनेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डेनियल चैंप नहीं बनेगा। और रही बात सिजारो की, सिजारो को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी नेक्स्ट वीक वो मुझे फेस करेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैकस्टेज नाया जैक्स एंड शेना बेसलर की पिटाई। तो हुआ क्या बैकस्टेज, नाया जैक्स एंड शेना बेसलर शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स ले जा रहे थे टमीना नटालिया के ऊपर, टमीना नटालिया ने आकर वहां उन्हें पीट दिया जिसके बाद इनका मैच भी हुआ है। मैच की बात कर लेता हूं, मैच के अंदर दोस्तों काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें फ्रॉम आउटसाइड देखने को मिलती है लेकिन दोस्तों रिजल्ट आता है इस तरीके से कि गाइस वहां टमीना ने स्प्लैश लगाया है और शेना की कर दिया है पिन। तो यहां दोस्तों काफी बड़ी विक्ट्री आज प्राप्त की है नटालिया एंड टमीना ने। बात की जाए इसके पश्चात हुआ क्या है, तो इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरव्यू। दोनों दोस्तों बैकस्टेज खड़े हुए हैं जहां केला ब्रैक्सटन इनसे सवाल पर सवाल किए जा रही है। यहां दोस्तों रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक ने अपने फ्यूचर प्लान्स बताए हैं। रे मिस्टीरियो ने कहा है कि बात है कुछ ऐसी कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है लेकिन अब मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हमारी जोड़ी पहली जोड़ी बने जो कि फादर एंड सन की हो, टैग टीम चैंपियन वाली। तो यहाँ दोस्तों ये जा रहे हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स के पीछे। बात की जाए इसके पश्चात क्या कुछ देखने को मिला, इसके पश्चात दोस्तों अगली चीज जो हम लोगों ने देखी है वो था अलस्टर ब्लैक का प्रोमो। तो अलस्टर ब्लैक का सेकंड प्रोमो या फिर कह लीजिए टीजर हमें आज देखने को मिला जहां दोस्तों उन्होंने डार्क टेल ऑफ फादर दोस्तों फिर से हमें सुनाई है। ध्यान दोस्तों अलस्टर ब्लैक क्या चीज कहते हैं कि लोग मेरे बारे में अजम्पशन लगाते हैं, मुझे जज करते हैं, जो कि काफी सही भी है क्योंकि लोगों की ऐसी अवधारणा रहती है लेकिन जहां तक बात है मेरी, मैं सत्य को जानता हूं, मैं पहचानता हूं क्या झूठ है क्या सत्य है लेकिन एक बात जान लूं मैं किसी को ये चीज़ बताऊंगा नहीं। तो काफ़ी कंफ्यूज किया दोस्तों आज फिर से अलस्टर ब्लैक ने, न जाने दोस्तों वो किसके पीछे अब पड़ेंगे, न जाने दोस्तों उनका कैरेक्टर डार्क रहेगा या फिर कह लीजिए हील रहेगा या फिर वो फेस सुपरस्टार बनकर उभरेंगे। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि आज दोस्तों जो उन्होंने कहा है वो काफ़ी हद तक सही भी है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ, इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बिगी वर्सेस अपोलो क्रूज फॉर IC चैंपियनशिप। तो गाइस इस मैच की बात करूं, ये मैच दोस्तों बहुत अच्छा था, बहुत डिसेंट था, दोनों सुपरस्टार्स ने दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन जैसा रिजल्ट आया मैं काफी ज्यादा नाखुश हूं। बात कर लेते हैं मैच के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। अजीज दोस्तों बाहर खड़ा हुआ था यानी कि दब्बा काटो बाहर खड़ा हुआ था और मैच के अंदर वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, मैच दोस्तों काफी स्मूथ जा रहा था। रिजल्ट दोस्तों किस तरीके से आया कि जहां दोस्तों बिगी ने बिग एंडिंग लगाई, उसने बिगी को बाहर खींच लिया अजीज ने और उसे दोस्तों रिंग पोस्ट पे मार दिया जिसके बाद दोस्तों वहां होगी DQ। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि अंदर जाकर वो और भी ज्यादा पिटाई करना चाहते थे बिगी की कि एंट्री हो जाती है केविन ओन्स की। केविन ओन्स आते ही सार दोस्तों अजीज से फंस गया, उसकी पिटाई करने लग गया कि गाइस हमें वहां देखने को मिले सेमी जेन ने दोस्तों मदद की अजीज एंड दोस्तों अपोलो की कि उन दोनों ने या फिर कह लीजिए तीनों ने पिटाई कर दी केविन ओन्स एंड हमारे अपने बिगी की। और उसके बाद जो कुछ देखने को मिला काफी फनी भी था, काफी सैवेज भी था। हुआ क्या कि जहां सबको लगा
कि सेमी जेन, अजीज और अपोलो तीनों एक साथ खड़े होंगे, वहां दोस्तों अजीज ने पीट दिया है सेमी को और सेमी बेचारे तड़पते रहेंगे। तो सेमी को दोस्तों अभी भी डब्ल्यू वालों ने जोक बनाकर रखा हुआ है। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, तो इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सिजारो की प्रेडिक्शन। तो इसके ठीक बाद दोस्तों हमने सिजारो की प्रेडिक्शन भी देखी। सिजारो ने दोस्तों ये चीज कही है कि देखो रोमन वर्सेस डेनियल होने वाला है, लेकिन डेनियल जो है वो अपनी जबान का पक्का है और डेनियल उनके काफी अच्छे मित्र भी है, इसीलिए वो प्रेडिक्ट करेंगे कि आज के मैच में डेनियल ब्रायन न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। हाँ दोस्तों काफी बढ़िया प्रेडिक्शन कर चुके थे, लेकिन इसके बाद हमने पॉल हेमन की प्रेडिक्शन देखी जो कि दोस्तों उससे भी धांसू थी। पॉल हेमन का दोस्तों जो ये प्रोमो था या फिर कह लिए जो उनकी ये वर्डिंग्स थी ये काफी कूल होने के साथ साथ काफी सैवेज भी थी। पॉल हेमन क्या चीज बोले, पॉल हेमन ये चीज बोले, देखो बात है कुछ ऐसी, क्या तुम मानते हो कि डेनियल ब्रायन जो है सबसे बड़ा अंडरडॉग रहा है? यस। क्या तुम मानते हो उसने चैंपियनशिप्स जीती है, वो अनडिस्प्यूटेड चैंप रहा है? हाँ, यस। क्या लोगों को लगता है कि आज वो चैंपियन बनेगा? यस। लेकिन क्या वो बनेगा? नो। आज ट्राइबल चीफ उसे स्मैकडाउन से बाहर निकालने वाला है। तो काफी धांसू प्रोमो उन्होंने काट दिया था और उसके ठीक बाद हमने देखा है ये धांसू मैच यानी कि रोमन रेंस वर्सेस डेनियल ब्रायन। तो आज दोस्तों कुछ डिफरेंट देखने को मिला है इसके अंदर। बात करते हैं मैच की। मैच की शुरुआत में दोस्तों डेनियल ब्रायन ने काफी अच्छी पकड़ बना ली थी, रोमन रेंस के राइट हैंड पर वो वर्क करने लगे थे। इससे साफ था कि वो यस लॉक के लिए जाने वाले हैं और मैच के अंदर दोस्तों कई बार उन्होंने इसके लिए ट्राई भी किया। मैच जैसे आगे बढ़ता रहा दोस्तों मैच की इंटेंसिटी बढ़ती रही, जहां दोस्तों मैच के बीच में हमने चीज भी देखी है कि रोमन रेंस ने डेनियल ब्रायन को पावर बॉम्ब लगाया टॉप रोप के ऊपर और उसके बाद दोस्तों डेनियल ब्रायन ने एक बैक सुप्लेक्स भी लगाई है। मैच दोस्तों काफी स्टैक्ड अप था, लोग दोस्तों पागल थे और मैच की बात कर लेता हूं, मैच के अंदर कोई भी नहीं जानता था कि एंडिंग मोमेंट्स में क्या होगा। जहां दोस्तों मुझे लग रहा था कि इसके अंदर तगड़े वाले इंटरफेरेंस होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैच क्लीन तरीके से खत्म हुआ। हुआ क्या कि रोमन रेंस ने दोस्तों गियोटिन लगाया, वो भी दोस्तों अपने राइट हैंड से नहीं बल्कि लेफ्ट से, और डेनियल बेचारे वहां पास्ड आउट हो गए। उन्होंने टैप आउट तो नहीं किया लेकिन वो बेहोश हो गए, जिसके तहत दोस्तों रोमन मैच को जीत जाते हैं, यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो जाती है डिफेंड और सभी को पता चल जाता है कि डेनियल को अब स्मैकडाउन को छोड़ना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन गाइज उसके बाद होता गया, उसके बाद होता यह है कि रोमन रेंस का मूड हो जाता स्विंग। वो क्या करते हैं कि बाहर से लाते हैं चेयर और चेयर से दोस्तों मारने की कोशिश करने वाले होते हैं, सिजारो की हो जाती है एंट्री, रोमन रेंस को अपरकट पर अपरकट, आउटसाइड अपरकट। वहां दोस्तों हुआ क्या कि जे उसो आ गए, सिजारो की पिटाई कर दी। अब सिजारो को रिंग के अंदर ले जाया गया, रोमन रेंस ने वैसी चेयर सटाई जैसी दोस्तों उन्होंने रेसलमेनिया में सटाई थी और बेचारे सिजारो को रोप में बांध के वहां दोस्तों सर के ऊपर शॉट लगाया गया है, जिससे साफ होता है कि डेनियल ब्रायन जो है वो एक दो हफ्ते तक तो वैसे भी हील नहीं करने वाले, चाहे वो जिस भी ब्रांड के अंदर दिखाई दे, चाहे दोस्तों एनएक्सटी के अंदर क्यों ना जाए, चाहे दोस्तों रॉ के अंदर क्यों ना जाए, एक दो हफ्ते तक तो दोस्तों उनका रिटर्न वैसे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ वो काफी दोस्तों दिल को दहलाने वाला था, सिजारो के सामने उनके मित्र का सर फोड़ा गया। तो यहां दोस्तों रोमन रेंस पूरे तरीके से हील नजर आए, रोमन रेंस एक डोमिनेंट हील है और इससे साफ होता है आज तो दोस्तों उन्हें मदद भी नहीं आई है। बात की जाए स्मैकडाउन की, स्मैकडाउन दोस्तों काफी मजेदार थी, मुझे तो काफी अच्छा लगा आज का मेन इवेंट, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें साफ साफ पता चल गया कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बजाय इसके कि हम स्पेकुलेशन करते रहे कि अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता। यहां दोस्तों रोमन रेंस ने बता दिया कि वो ट्राइबल चीफ है। जहां तक बात करूं रेटिंग की, तो आज की स्मैकडाउन को दोस्तों मैं दूंगा आपके 5 में से 4.1। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले हफ्ते दोस्तों स्मैकडाउन जाने वाली है पास्ट में, यानी कि दोस्तों स्मैकडाउन का स्पेशल एपिसोड हमें दिखाया जाएगा। वेल वो कैसा होगा उसके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।